काफ़ी छोटी मोटरसाइकिल है, बट इसकी बहुत डिमांड थी जब ये थी। जब ये पीछे से आने बंद हो गई तो इसकी डिमांड और बढ़ गई। रनिंग कॉस्ट है 1,00,000 रुपए महीना। तो ये जो यूनिट है ना, इसको बोलते हैं फेंडर एलिमिनेटर, और लगभग 20,000 रुपए की आइटम है। ठीक, बहुत खूबसूरत लग रही है, स्किन टाइट पहना हुआ ना। खुलेगा खुलेगा खुलेगा, इसका इंजन खुलेगा भाई अभी। और देखो फिर पानी भी आ गया। ओ भाई ओ भाई भाई, भाई। जी सोनिया सजनों की हाल चाल, मेरे पीछे बोलो सत श्री अकाल। तो भाई ये यूएस से बॉक्स मेरे हाथ लग चुका था एनआरसी का, जिसके अंदर 3 अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं मेरी S1000RR के लिए, एंड आप लोगों के लिए भी डिस्काउंट कोड है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड। अब ये जो बॉक्स है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है लगभग 36,200 रुपए। सही सुना आपने, खर्चा होना चालू हो चुका है। जल्दी से दिखाते हैं क्योंकि आप भी उतने एक्साइटेड हो जितने हम हैं। क्योंकि हमने ना क्या किया, देखो ये कस्टम ने पहले बॉक्स खोला, उनको भी एक्साइटमेंट थी प्रोडक्ट देखने की और हमें भी थी, इसलिए आपको दिखाए बिना हमने यहाँ पे पूरा डब्बा खोल दिया है। डब्बे के अंदर निकला है डब्बा, इसके अंदर में क्या है जल्दी आते हैं। बट उससे इम्पोर्टेंटली, आपको लग रहा होगा यार एनआरसी की तो हमने टेल्ट आईडी सुनी है, मैंने V4S में भी लगाई थी डुगाटी में, बट नहीं, इस बार कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं। सो दीज आर दी टर्न सिग्नल्स, मतलब अभी आपको पता है S1000RR के जो फ्रंट मिरर्स है ना, उसी के अंदर में इंडिकेटर्स होते हैं, आगे में कोई और इंडिकेटर नहीं होते हैं। सो ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। अभी आप ओवरले देख रहे हो, मतलब कैसे ये चीज यूज होती है, मैं कहीं से भी रेफरेंस निकाल के आपको दिखा दूंगा, बाकी जब इंस्टॉल होंगे तब तक तो आपको पता ही लग जाएगा। तो ये मेरे को कॉस्ट किया अराउंड 13,200 रुपीज। अब पूरे बॉक्स में जो सबसे महंगी चीज है ना, वो 2 यूनिट है, आपको पता है दिस इज अ टिल्ट आईडी। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है जिसके ऊपर आपका नंबर प्लेट लगता है और ऊपर में लाइट भी लगा हुआ एलईडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, ये जो यूनिट है ना, इसको बोलते हैं फेंडर एलिमिनेटर, और लगभग 20,000 रुपए की आइटम है। ठीक है, 20,000 रुपीज की, बट ये क्या है ना, बहुत कमाल की चीज है। अगेन आप स्क्रीन पे एक बार रेफरेंस देख लो, जब ये जलता है ना, अच्छे अच्छों को दिख जाती है हमारी बाइक ऊपर से। जब ये इंडिकेटर करता है ना, लोग कहते हैं यार क्या स्लीक सा एकदम फ्यूरियस सा डिजाइन बना देते, बाइक को और खूबसूरत बना देता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है ब्लॉक प्लेट्स। अभी क्या चीज होती है, आगे का जब मिरर आप हटाते हो लेट्स से ऑन द ट्रैक, तो वहां पे गंदा गंदा दिखता है, उस गंदा गंदा दिखने को जो गैप्स होते हैं ना, उसको हटाने के लिए प्लेट्स लगती है। सो दिस इज अराउंड 3,000 रुपीज, मिला के टोटल 36,200 रुपए का माल है। बट द गुड न्यूज इज, ये जो कंपनी है ना, ये मेरे को रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए मेरा रिगार्ड करती है, तो मेरे को तो स्पेशल रेट दिया है। और ये भी बोला गया है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको 20% ऑफ मिलेगा। सो वेबसाइट जल्दी जाके चेकआउट करो, कूपन कोड स्क्रीन पे आ रहा है, यूज करो, कोई भी प्रोडक्ट लोगे 20% ऑफ मिलेगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इंडिया में कस्टम लगता है, तो भाई कस्टम कितना लगा है सारा ब्रेकअप में डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, आईडी स्क्रीन पे आ रहा, फॉलो कर लो। बट अगर आप यूएस कनाडा कहीं से भी देख रहे हो तो टेंशन फ्री ले लो, 20% बहुत होता है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं और सारी बाइक्स के लिए बनाते हैं। अब अगर मुद्दे की बात करें तो ये है कि कल सुबह हम लोग रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं 5 जने, 1, 2, 3, 4, 5, अभी उंगलियों पे मैं गिन पा रहा हूँ, बट कल ही बताऊंगा क्योंकि कोई बैकआउट करके तो बेइज्जती हो जाती है। फिलहाल बहुत सारे रेन लाइनर्स यहाँ से निकाल दिए मैंने, बैग निकाल दिए हैं, हम लोग कल जा रहे हैं उसके लिए। मेरी जो S1000RR है उसके ऊपर मैं अभी PPF हो रहा है, हर्ष वहीं पे गया हुआ है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को हार्ले में टायर चेंज करवाना है। एंड ये जो बाइक है ना, इसको आज सुबह हमने रैप कर दिया, मतलब दिलजीत पाजी आए थे और हमने इसको रैप कर दिया, नाउ इट इज रेडी टू शिप। अब इसकी जो कहानी है ना, वो कुछ ऐसी है। पिछले साल ना ये बाइक मैं लेके आया था बहुत एक्साइटमेंट से, चंडीगढ़ गया था भाई मैं, ओके मेरे को लगा था मेरी लाइफ में और ज़्यादा एडवेंचर आएगा, मतलब मैं और व्हीलियाँ मारूंगा ऑफ रोड पे और जंप्स मारूंगा ऑफ रोड पे और अपना स्किल सेट इम्प्रूव करूंगा। बट रियलिटी में क्या हुआ था ना, मैं इसको ले गया जैसलमेर और वहाँ मैं गया गिरने के बाद क्या हुआ, मेरा चेस्ट एक्सरे, बच गई मेरी रिब्स, समझ रहे हो, चोट वोट लगी थी, बाइक भी थोड़ी सी ख़राब हुई थी, फिर हमने बाइक रिपेयर कराई, बाइक रेडी टू रोल थी। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, कि मैं इतनी महंगी बाइक यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। कहने का मतलब है, न्यू आती है 8,00,000 रुपए की, सेकेंड हैंड भी कम से कम 4,00,000 की वैल्यू रखती है, तो इतने पैसे ब्लॉक करके मज़ा नहीं आ रहा, अगर ये जाएगी तो कुछ आएगी, तो ये सोच के मैंने डिसीजन लिया। फाइनली आज बाइक हमने रैप कर दिया, बाइक मेरे ऑफिस से बस जाने वाली है, पेमेंट कुछ आ गई है, कुछ आने वाली है, और उसके बाद एक बाइक और मेरी छाती पे बैठी हुई है, ZX6R। तो मतलब अगर वो भी जाएगी ना, तो कुछ नया तो ज़रूर आएगा।
क्योंकि ऐसा ना पार्किंग भी फुल हो चुकी है मेरे ऑफिस की, हमें मूवमेंट करने में परेशानी होती है, कुछ ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो बैठने की जगह नहीं है, सारी जगह तो बाइकों ने घेर ली है। कभी सोची नहीं थी ना ऑफिस बनाते हुए कि इतनी सारी बाइकें रखनी पड़ेंगी, मैंने तो 2 या 3 की जगह बनाई थी उस टाइम पे। बट ठीक है, चलो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, अच्छी बात है आज अपने पास खुद का ऑफिस है। क्योंकि पूछो मुझसे, मेरे को कितना प्राउड फील होता है। कल रात को भी कुछ दोस्त बैठे थे, 11:30 बजे तक पार्टी चल रही थी मेरे ऑफिस में, बड़े कोजी हैं और बड़ा पॉजिटिव वाइब है, सब लोग यही आके बोलते हैं, कहते हैं बिल्कुल मज़ा आता है अंदर में, एकदम बंदा ना रिलैक्स हो जाता है और मन की बात करता है, मतलब 1 एंड 1। सो दैट इज़ वाई आई लव माई ऑफिस। नहीं तो भाई ऑफिस रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपको अगर मैं सच बोलूँ तो सिर्फ ऑफिस रखने से मुझे महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, समझ रहे हो, स्टाफ रखने से भी कम से कम 30-40 हज़ार ऊपर, तो मोटा मोटा ऑफिस रनिंग कॉस्ट है 1 लाख रुपये महीना, बिलीव करो तो। क्योंकि बिल्कुल पॉश जगह पे मेरा ऑफिस है, ऐसा नहीं गलियों के अंदर में, अगर मैं इसको रेंट आउट कर दूँ ना तो कम से कम 45,000 to 50,000 रुपीज़ रेंट आएगा, क्योंकि इतना प्यारा फर्निश्ड है, किचन भी है, बाथरूम भी है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग एंड लोकेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है, मतलब जैसे मेन रोड होता ना, मेन रोड पे अपना ऑफिस। बट फिर भी यार कुछ चीज़ें अपने लिए होती हैं, तो ये ऑफिस अपने लिए सुकून के लिए, क्योंकि भगवान ने जब इंसान बनाए थे ना, उनका तो मकसद यही था कि इंसान नीचे जाए, खूबसूरत धरती के मज़े लें, फिर पता नहीं करेंसी आ गई, फिर मैं आ गई, लोगों को ईगो आ गई, फिर शो ऑफ आ गया, फिर सबकी ज़िंदगी ऐसी हो गई ऐसी, और देखो फिर पानी भी आ गया। ओ भाई, किस लेवल पे पानी है, समझ रहे हो। थैंक गॉड मैं हार्ले के ऊपर में हूँ, तो ये कन्वीनियंस है मेरे पास में, देखो कैसे बैठा हूँ मैं, ओ माई गॉड। बट मैं तो आराम से चला रहा हूँ, कोई लल्लू ऐसे तेज़ ना चला ले, और यार ये तो बहुत ही माड़ा हाल हो रखा है, आप देखो पैर तो नीचे रखने पड़ेंगे भाई, मेरे BMW के जूते गंदे होने वाले हैं, क्या कह रहे हो, बिल्कुल बच गया, जरा सा देखो, जरा सा टच हुआ था, मैंने पैर ऊपर कर लिया, एंकल ऊपर कर लिया, चलो भाई कुछ नया दिखाने वाला हूँ जो मैंने अभी अभी यहाँ आके देखा है। एक यहाँ पे ट्रायम्फ की डेटोना खड़ी है, पहले तो अक्सर ये बाइक देखने को नहीं मिलती है, अब जब दिख रही है एकदम टोटली नई लुक है, डिफरेंट ग्राफिक्स है, मुझे फॉन्ट बहुत अच्छा लगा, ट्रायम्फ जिस हिसाब से लिखा हुआ ना, आई लाइक डेट। बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं इसके ऊपर में, मतलब आगे की जो हेडलाइट है ना उसको भी आंखें बनाया हुआ है, काफ़ी छोटी मोटरसाइकिल है बट इसकी बहुत डिमांड थी, जब ये थी, जब ये पीछे से आनी बंद हो गई तो इसकी डिमांड और बढ़ गई, क्योंकि अब ये एक एक्सक्लूसिव चीज़ हो गई, और वैसे ये बाइक यहाँ पर रेडी हो रही है फॉर द ट्रैक। एक बार को मैंने भी सोचा था कि मैं अपने गैराज में इसको रखूंगा, फिर रिलाइज हुआ जैसे 6R मेरे पे छोटी है ना, वैसे ये चीज़ छोटी है, मेरे को एक बार व्हाइट कलर में मिल रही थी, बहुत अच्छी डील थी, उसमें भी जो एग्जॉस्ट लगा था बहुत बढ़िया था, और वैसे ये बाइक ना बहुत अच्छी साउंड करती है और ट्रैक के लिए बेस्ट है भाई, बेस्ट है। फिलहाल अपनी हार्ले डेविडसन यहाँ पे आ गई है और इसकी एक इंस्पिरेशन यहाँ खड़ी है, देख रहे हो, अगर ये लगा दूँ इसके ऊपर में मज़ा आ जाए, और एक ऐसा हैंडल डाल दूँ टोटली नया लुक हो जाएगा अपना हार्ले का। और अभी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, देखो 12,000 किलोमीटर तो ये चल गई है, बट एक्चुअल में ना 12,000 किलोमीटर में इसका टायर नहीं जाता है, मैंने बर्नआउट मारा था इंडिया बाइक वीक में, मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ, इसी वजह से मुझे टायर चेंज कराना पड़ रहा, और जो नया टायर है ना वो इधर है, देखो हेयर इज़ द टायर, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू वन, डेट भी लेटेस्ट की है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो अभी के लिए इसको डालेंगे, मेरे को नहीं पता, मैंने R&D नहीं किया किसका ग्रिप अच्छा है किसका नहीं है। देखो भाई लोग 8:30 हो गए, अपना काम हो चुका है, एक फॉग लैम्प बंद हुआ हुआ था उसको भी चलवा दिया है, उसमें थोड़ी कटिंग बटिंग हुई है, उसके बाद में PC की ना नंबर प्लेट टेढ़ी हुई थी वो काम भी हो गया, तो बढ़िया है। रोड ट्रिप से पहले ना टायर भी चेंज हो गया, ब्रेक पैड बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चेन वेन लूप करा दी है, पाजी गए बस एक टेस्ट राइड मारने के लिए और मैं निकल रहा हूँ। बट एक चीज़ है, देखो मेरी एक डर्ट बाइक तो यहीं पे खड़ी है, ब्यूटीफुल वन मैन, मतलब ब्यूटीफुल वन, मैं इसको यहाँ इसलिए छोड़ गया था, मेरे को लगा जिस दिन ना यहाँ पे बारिश होगी ना उस दिन आके इसको मड में चलाऊंगा, अभी तक तो खैर ये मौका मिला नहीं, बारिश तो खूब हो रही है बट मैं आ नहीं पाता हूँ, बट डेफिनेटली आने के बाद इस रोड ट्रिप के बाद ना एक दिन इसके साथ कुछ कंटेंट बनाएंगे हम लोग, इसको लेके चलेंगे ऑफ रोड पे। हार्ले, और इधर दो बाइकें और हैं क्योंकि लेफ्ट में है NS1। भाई बहुत बाइकें हैं दुनिया में, दिल्ली में बहुत बाइकें हैं और यहाँ पे गर्मा गर्मी भी बहुत है, वो उस पर चिल्ला रहा है, फिलहाल छोड़ो,
आपको हम दिखाते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ अवर S1000RR गेटिंग PPF डन एट सेरेमिक प्रो। यो माय ब्रो, बाइक देखो ये खड़ी है। चलो म्यूजिक शुरू करते हैं। 3, 2, 1। भाइयों और भाइयों की बहनों, हमारा हो गया फर्स्ट, समझ गए ना। 9 बज रहे हैं, ट्रैफिक देख लो, लड़ाई। ओ भाई, फिर लड़ाई हो गई यार, हर जगह लड़ाई हो रही दिल्ली में, कैसे कैसे होगा। बट अभी के लिए देखो, मैं देख रहा हूँ थोड़ा फिनिशिंग का काम बचा हुआ है यहाँ, देखो टैंक के ऊपर में, और थोड़ी थोड़ी जगह मैंने लाइट मार के देख ली। और वैसे भी ना मेरे को बोल दिया था यहाँ पे टीम ने कि भैया एक विजिट में बात नहीं बनेगी, दोबारा आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बाइक छोड़नी पड़ेगी, तब जाके बढ़िया काम होगा। तो इसीलिए अभी मैं जज नहीं करूँगा, और मैं चाहूँगा आप लोग भी जज ना करें, कृपया हैव पेशेंस जैसे मेरे में है पेशेंस। बट एक चीज़ है, अच्छा लग रहा है कि बाइक मेरी सेफ हो गई है, बुरा लग रहा है कि रेडिएटर ग्रिल लगाने का टाइम नहीं मिला है। भाई मेरा सपना जा रहा है यार, मेरा सपना जा रहा है, मैंने कपड़े में भी पहचान लिया। क्या कह रहे हो, पीछे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा लैम्बोर्गिनी। भाई मेरा ड्रीम है यार, भगवान यहाँ तक पहुँचा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को एक बार इस ज़िंदगी में इसको ऑन करना है यार, एक बार ऑन करना है, ठीक है। मुझे पता है पॉसिबल है अभी, बट लाइफ में थोड़े डाइवर्जेंस आ गए क्योंकि मेरे पास तो पार्किंग भी नहीं है। थैंक यू भाई। ओ वो मेरी गाड़ी जा रही है, वो भी मेरी है, लैम्बोर्गिनी। हाँ थैंक यू भाई, देख रहे हो ये फ्यूचर का डायलॉग था, प्रेजेंट में मार दिया। फोटोग्राफर है, वेरी गुड। हाँ हाँ, वाई नॉट कर लेना JS फिल्म्स, कर दो भाई, DM कर दो। देखा अभी रेड लाइट पे मेरे को ऑफर आ गया शूट का, ये दोनों भाई ये ना वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हैं, कह रहे हम शूट करते हैं, आपका शूट कर देते हैं। जैसे इनको पता लगा लैम्बो मेरी है, भाई भाइयों ने पैसे भी नहीं मांगे, देख रहे हो। ये मैं अपनी गाड़ी के साथ साथ चलूंगा ना, मुझे वाइब आ रही है। टायर प्रोफाइल देखो भाई, कितना मोटा और कितनी सेक्सी टेल है, चाहे कपड़े पहने हुए बाइक ने, गाड़ी ने सॉरी, फिर भी भाई बहुत खूबसूरत लग रही है। स्किन टाइट पहना हुआ ना स्किन टाइट में वैसे ही बड़ी हॉट लगती है हमारी लैम्बोर्गिनी। मिल गया भाई? नहीं मिल यार। अरे क्या बात कर रहे हो यार। ओके लेट्स शूट ब्रो, लेट्स शूट। अगर गलती से लैम्बो वाला ऑनर मेरी वीडियो देख रहा होगा, हंस रहा होगा या गालियां दे रहा होगा, वैसे तो हंसी रहा होगा यार। भाई एक दिन चलवा दो प्लीज ओ भाई मेरे तो इमोशन ही कंट्रोल नहीं हो रहे इसको देख के यार। ओ मेरा दिल कर रहा है ऐसे ही चलते चलते साथ में इसको घर तक ले जाऊं। ये बढ़िया काम कराया हुआ बंदे ने गाड़ी में, भाई डुअल टोन बना रखी है, अच्छी लग रही थी। हाईलाइट्स इसने रेड से कर रखे थे, गाड़ी ब्लैक थी, स्ट्रिप भी थी ऊपर में, बम्पर भी रेड थे, बढ़िया लग रही थी भाई। बैक टू द मेन रोड, अपनी डर्ट बाइक होती तो यहाँ से जाते हम, अभी हम मेन रोड से जाएंगे। खुलेगा खुलेगा खुलेगा, इसका इंजन खुलेगा भाई। अभी तो इतनी गर्म हो रही है ना, 111 डिग्री हो रहा है, इमेजिन करो भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि गड्ढे खुल गए ना। ये देखो सारा टूटा हुआ रोड है, बताओ ये भी एक रीज़न है भाई ट्रैफिक का, पता है, जहाँ पानी भरा है वो भी एक रीज़न है, जहाँ गड्ढे खुल गए हैं वो भी एक रीज़न है। ट्रैफिक तो है ही है, लाइटें ख़राब हैं, लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, सब कुछ हुई सब कुछ मिला के ना एक आम नागरिक मेरे जैसा बहुत ही परेशान है।
बट फिलहाल आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी से वीडियो क्लोज करते हैं, रात को एडिट करते हैं, कपड़े पैक करते हैं और सुबह मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ। साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।